हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जैकबोर्ड क्लास 8 का संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों का 2 अक्टूबर को वीकली टेस्ट है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 8 2 अक्टूबर संस्कृत सब्जेक्ट का। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों से टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से इसे आप पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कन्याया का रूपा भवंती, कन्या का रूपा भवंती। पहला ऑप्शन है देवी रूपा, दूसरा भगिनी रूपा, तीसरा नारी रूपा, चौथा भार्या रूपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नारी रूपा। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, प्राचीन भारतवर्ष का विदुषिनार्य आसन, प्राचीन काल में कौन विदुषी थी। पहला सीता प्रभृत्य, दूसरा तारा प्रभृत्य, तीसरा अहिल्या प्रभृत्य, चौथा अरुंधति प्रभृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अरुंधति प्रभृत्य। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर, केसु क्षेत्रेशु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति, किस क्षेत्र में नारी शक्ति आगे है। पहला सैन्य क्षेत्रेषु, दूसरा सर्व क्षेत्रेषु, तीसरा क्रीडा क्षेत्रेषु, चौथा शिक्षा क्षेत्रेषु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्र में नारी शक्ति आगे है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन है, अधुना कन्याया शिक्षाया खाली स्थान आवश्यकता अस्ति, अधुना कन्या शिक्षिकाय खाली स्थान आवश्यकता अस्ति, सर्वकार महती महत देवी रूपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, महती, बहुत आवश्यक है, आजकल नारियों की शिक्षा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर, राष्ट्रस्य कलंक रूपा का इति आख्यात, इनमें से कौन सा राष्ट्र का कलंक है। अज्ञानता, वैदुष्यम, भ्रूण हत्या, जनाधिक्यम, जनाधिक्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या देश का कलंक है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन है, लता मंगेशकर किम आसित, लता मंगेशकर क्या थी। पहला देखिए पार्श्व गायिका, दूसरा गायिका, तीसरा नर्तकी, चौथा पट कथा लेखिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गायिका थी, लता मंगेशकर गायिका थी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, गत्वा इति पद का प्रत्यय प्रयुक्त, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है बताना है। पहला ऑप्शन है तव्य, दूसरा तुमुन, तीसरा कत्वतु, चौथा कत्वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कत्वा, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, सर्वकार इति पदस्य अर्थम चिनुत, सर्वकार का अर्थ चुनना है। अदाकार, दूसरा साहूकार, तीसरा सरकार, चौथा सलाहकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सरकार, सर्वकार का मतलब होता है सरकार। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखें। क नंबर देखिए, प्राचीन काले नारीनाम स्थिति कीदृश आसीत, प्राचीन काले में नारियों की स्थिति कैसी थी। तो इसका उत्तर देखिए, प्राचीन काले नारीनाम स्थिति उत्तमा आसीत, प्राचीन काले में नारियों की स्थिति बहुत उत्तम थी, बहुत अच्छी थी। फिर देखिए ख नंबर, कन्याया का रूपा भवंती, कन्याया, कन्या का कौन कौन सा रूप है। तो इसका उत्तर देखिए, कन्याया भगिनी भार्या मातृ च रूपा भवंती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, प्राचीन भारतवर्ष का विदुषी नार्य आसन, प्राचीन काल में भारत में कौन कौन सी विदुषी हुई बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, प्राचीन भारतवर्ष मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुंधति प्रभृत्य विदुषी नार्य आसन। प्राचीन काल में मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुंधति, ये सब विदुषी आई। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, केसु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति, किस क्षेत्र में नारी की शक्ति आगे है।
तो इसका उत्तर देखिए सर्वेषु क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्र में नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति, सभी क्षेत्र में नारी की शक्ति आगे है, यानी कि सभी क्षेत्र में नारी अपना योगदान दे रही है। फिर देखिए नेक्स्ट अंगा नंबर सर्वकारस्य किम उद्घोषम अस्ति, सरकार की क्या उद्घोषम है बताना है। तो इसका उत्तर देखिए सर्वकारस्य उद्घोषम अस्ति कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु, कन्या की रक्षा करना है और कन्या को पढ़ाना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं, कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा वाक्यम पूरयत, यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट में दिया गया है इसको चुन चुन कर भरना है और खाली स्थान को पूरा करना है। तो देखिए क नंबर नारी खाली स्थान पूजनीय च अस्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर देखिए लास्ट देवी रूपा, नारी देवी रूपा पूजनीय च अस्ति। फिर देखिए ख नंबर एतेव खाली स्थान आवश्यकम अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा कन्या रक्षणम, कन्या रक्षणम एतेव कन्या रक्षणम आवश्यकम अस्ति। फिर देखिए ग नंबर अधुना कन्या शिक्षाया खाली स्थान आवश्यकता अस्ति, तो ये तो हम लोग एम सी क्यू में भी देखे थे, महती हो जाएगा, महती बहुत आवश्यक है आजकल, आज के डेट में वर्तमान काल में कन्या का पढ़ना लिखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, कन्या का शिक्षा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला घ नंबर इदम सर्वेषु खलिस्थान अस्ति, इदम सर्वेषु खलिस्थान अस्ति, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इदम कर्तव्यम, यहाँ पर देखिए कर्तव्यम अस्ति, इदम सर्वेषाम कर्तव्यम अस्ति। फिर देखिए अंग नंबर अस्मिन् कार्ये खलिस्थान अपि तत्पर अस्ति, तो यहाँ पर सर्व कार होगा, सर्व कार यानी कि सरकार, सर्व कार अस्मिन् कार्ये सर्वकार अपि तत्पर अस्ति, इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य बनाना, इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, निम्नलिखित शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। क नंबर देखिए नारी नाम, तो नारी नाम से वाक्य आप इस प्रकार बना सकते हैं प्राचीन काले नारी नाम अपि पूजा भवती अस्म, प्राचीन काल में नारियों की पूजा होती थी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला ख नंबर कन्या रूपा, कन्या रूपा से वाक्य आप बना सकते हैं नारी प्रथमे कन्या रूपा भवती, नारी सबसे पहले कन्या, नारी का कन्या रूप है। फिर देखिए ग नंबर मातृ रूपा, मातृ रूपा से आप बना सकते हैं वाक्य कन्या एव भगिनी भार्य मातृ रूपा च भवती। फिर देखिए घ नंबर समाचार, तो इससे वाक्य बनेगा यदा कदा नारी हत्याया समाचार श्रूण्यते, आजकल नारी की हत्या का समाचार सुनने को मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट अंग नंबर कन्या रक्षणम, कन्या रक्षणम, तो इससे वाक्य आप इस प्रकार बना सकते हैं अधुना कन्या रक्षणम आवश्यकम अस्ति, आजकल कन्या का रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका टेस्ट अच्छे से जाए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मदद करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद जय भारत।